तो ये वीडियो मैंने कोई आपको डराने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं देख रहा हूँ कि 2026 का जो जेई होने वाला है और उसके बाद जितने भी कॉन्सिक्वेंट होने वाले हैं, मतलब 27, 28 जो भी आएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होने वाले हैं। ओके, अब इसके पीछे 2 या 3 ट्रेंड्स हैं, आज उनको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना अगर आप अभी क्लास 10th में है या इवन 9th एंड बिलो में भी है कि आगे क्या होने वाला है। तो आपने अगर इस साल के एनरोलमेंट नंबर देखे हो, अभी जेई 2024 के एनरोलमेंट नंबर्स आए हैं राइट, जनवरी अटेम्प्ट के, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि पहले ना जेई बहुत ज्यादा बच्चे देते थे, जैसे 2014 में आई थिंक 14 या 15 लाख लोगों ने दिया था, ठीक है, 2014 का जो जेई था। फिर थोड़ा कम हुआ था 2017 में, मैंने जब दिया था तब मुझे याद है जेई मेन में आई थिंक 12-13 लाख लोग थे, तो तब तक ठीक था फिर भी। लेकिन 2021 या 22 में आप चेक करेंगे ना, 21 या 22 में, तब ये नंबर शायद 7 से 8 लाख ही रह गया था। मतलब मेंस अप्रैल और जितने भी अटेम्प्ट थे ना सब मिला के, अगर अपन यूनिक स्टूडेंट्स की बात करें तो 7 to 8 लाख स्टूडेंट्स ही थे। लेकिन अभी जो 2024 की रजिस्ट्रेशन हुई है इसमें 12 to 13 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है केवल जनवरी अटेम्प्ट के लिए। मतलब आप इस बात को सोचिए कि जनवरी अटेम्प्ट, अभी अप्रैल अटेम्प्ट और होगा, उसमें शायद 2-3 लाख बच्चे और देंगे एग्जाम, तो ये नंबर क्लोज टू 15 लाख जाएगा इस साल। यूनिक रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिक रजिस्ट्रेशन आई थिंक इस साल क्लोज टू 15 हो सकते हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। मतलब आप सोचिए कि 15 लाख बच्चे वापस से जेई देने लग गए हैं। और ऐसा नहीं होता है कभी भी कोई ट्रेंड ऐसा नहीं होता कि एकदम से चेंज हो जाता है, मतलब जैसे ये नीचे आ रहा था ना तो नीचे आया 5-6 साल लगा के फिर आया नीचे पूरा, और अभी ऊपर जा रहा है ना ये नंबर धीरे धीरे, तो अभी सीधा ऊपर और जाएगा, ऐसा नहीं हो गया अच्छा इसके बाद कम हो गया। तो आई थिंक 2025 में और ज्यादा बच्चे देंगे, और आई थिंक 2026-27 तक आते आते जैसे अभी नीट में जो सिचुएशन है, लगभग 20-21 लाख लोग अभी नीट एग्जाम देते हैं राइट, आई थिंक वैसी सिचुएशन बन जाएगी। एक्चुअली वैसी सिचुएशन अभी भी है इन अ वे, बिकॉज नीट में क्या है कि एक ही एग्जाम है तो सारे बच्चे वही एग्जाम देते हैं, जबकि मेडिकल इंजीनियरिंग में कई सारे स्टूडेंट जेई मेन देते ही नहीं है, वो अपने स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जाम दे देते हैं राइट। तो अगर आप इंजीनियरिंग की सीट गिनो वो भी अच्छी खासी है ऑलरेडी, मतलब जो कॉम्पिटिशन है 20-21 लाख का, लेकिन प्योरली अगर हम जेई मेन की बात करें आई थिंक दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज टू 20 लाख प्लस व्हेन इट कम्स टू जेई 2026-2027। बीच में किस तरह का ट्रेंड प्रेडिक्ट किया जा रहा था जिसमें मैं भी बिलीव करता था कि यार इंजीनियरिंग में इतना रुख नहीं रहेगा, बच्चे अब कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन क्लियरली वो नहीं हो रहा है। उसके कारण ये भी है कि अभी जो जनरेशन जो ग्रेजुएट हुई है, मतलब ये जो 2014-24-14 से लेकर 2021 तक के जो लोग हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैं खुद ग्रेजुएट हुआ राइट, मेरे को ग्रेजुएट हुए भी अभी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए राइट। तो आप लोगों ने देखा कि अब ये लोग फिर कंटेंट डालने लगे कि हमारी कितनी पैकेज है, हमारी क्या है, हमारी वो है, ये वो है, तो आपने देखा कि यार 21 या 22 साल का लड़का महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, कोई कोई लोग 10 लाख भी कमा रहे हैं जॉब में। बिजनेस एक अलग बात है, बिजनेस में देखो लोग करोड़ों कमाते हैं अलग बात है, बट उसके रिस्क है। हम यहाँ पे बात करें आईआईटी का पूरा पॉइंट क्या है, आईआईटी का पूरा पॉइंट यह है कि एक रिस्क फ्री तरीके से हम कैसे अपनी पोजीशन इन सोसाइटी स्ट्रांग कर सकते हैं, रिस्क फ्री, रिलेटिवली रिस्क फ्री। आईआईटी जेई देने में कोई रिस्क थोड़ी है, आपने पढ़ाई की वो कोई रिस्क थोड़ी है ब्रो, उसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है, आपने नहीं पढ़ाई की वो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, फिर आपने मेहनत की आपकी जॉब लग गई, रिलेटिवली सेफ तरीके से आप एक अच्छी पोजीशन इन सोसाइटी, 1-2-3-4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, ऑलमोस्ट हर आईआईटी जिसको मैं जानता हूँ, मतलब बिल्कुल बेकार से बेकार आईआईटीएन भी 1 लाख तो कमा ही लेते हैं, और अच्छे या जो एवरेज आईआईटीएन होते हैं वो 2-3-4-5+ ऐसे पर जाते हैं राइट। इन हैंड की बात कर रहा हूँ, आई नो सेवरल पीपल इन माय यू नो सर्कल इन माय बैच एंड ऑल, जिनकी जॉब में 4 लाख 3 लाख इस तरह की इन हैंड इनकम आती है पर मंथ, जो बहुत ज्यादा है यार इंडिया में। और ये मैं 22 साल के लड़के की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई 30 साल के सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की तो बहुत ज्यादा हो जाती है तब तक, इफ दे आर गुड इनफ राइट। तो जो पर्पस था आईटी जेई का, मतलब पहले देखो आईटी जेई लोग ऐसे हवा में देते थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज इतना कंटेंट बन गया, इसके अराउंड पूरा इकोसिस्टम बन चुका है कि कॉलेज में भी बच्चे गाइडेंस देते हैं, पैकेज बताते हैं, ब्लॉग डालते हैं, तो एक काफी ग्लैमरस लाइफ हो गई है इंजीनियर की, जो मुझे लगता है पहले नहीं थी ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे अरे AI आ गया है तो इंजीनियरिंग, भाई आप समझो इस बात को, जब लोग बोलते ना इंजीनियरिंग एंड आईआईटी में डिफरेंस होता है, आईआईटी इज लाइक द टॉप ऑफ द पिनाकल ऑफ इंजीनियरिंग। आईआईटीएंस को लोग इसलिए हायर नहीं करते कि अच्छा इसको ज्यादा इंजीनियरिंग आती है, आई एम श्योर देर आर सम पीपल इन टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस आल्सो जिनको उतना ही कोडिंग आता होगा या ज्यादा भी आता हो। आईआईटीएंस का पॉइंट ये है कि उस बंदे ने जेई एडवांस निकाला और आईआईटी का इतना जो डिफिकल्ट माहौल होता है, कॉम्पिटेटिव माहौल, उसको सर्वाइव किया, दैट मीन दैट पर्सन हैज इमेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, दैट पर्सन हैज इमेंस डिसिप्लिन, दैट पर्सन इज वेरी टैलेंटेड, उसका दिमाग है, उसके लिए हायर करते हैं लोग, उसको लोग इससे लेते कोडिंग करानी है बैठ के, कोडिंग कोई भी कर लेता है, कोडिंग 10वीं के बच्चे कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेन इज देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, देयर एनालिटिकल स्किल, देयर डिसिप्लिन, देयर इनसाइट्स, उसके लिए ये पैकेजेस दी जाती है। तो वो कभी उसमें आप AI इनका कुछ मत सोचो,
क्योंकि कल मुझे एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि अरे ये आपके साथ जॉब खा जाएगा, इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों करूँ, तो उसका आंसर ये है। तो देर इज क्लियरली राइजिंग डिमांड फॉर इंजीनियरिंग, ज्यादा बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं पिछले साल कंपेरिजन में, पिछले साल भी आई थिंक उससे पिछले साल से ज्यादा था थोड़ा, लेकिन इस साल तो बहुत ही ड्रास्टिक राइज हुआ है पिछले साल के कंपेयर में, इस साल बहुत ज्यादा ड्रास्टिक राइज हुआ है। सो आई थिंक कि ये जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट विल क्लियरली हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू नो द कॉम्पिटिशन फॉर जेई। इसके साथ एक और है कि यूजली 11th 12th में बच्चों के पास दो रहते हैं रास्ते, या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल, और जबकि आप मेडिकल फील्ड का देखो ना, उसके जितने भी लोग हैं मैंने एटलीस्ट मैंने देखा है क्रिएटर्स एंड ऑल, दे ट्राई टू डिपिक्ट कि मेडिकल लाइफ बहुत हार्ड है एंड यू नो इट्स नॉट, मे बी द इनकम इज ऑल्सो लेस फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स एंड ऑल, ओके अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट हियर, बट एटलीस्ट मतलब इन माई फैमिली ऑल्सो देर आर मेनी डॉक्टर्स, सो आई जस्ट नो कि इनिशियली नहीं होता, मतलब आपको बहुत साल तक उसमें एफर्ट डालनी पड़ती है तब जाके वो इनकम अनलॉक होती है, जो अच्छी इनकम होती है जो आप इंजीनियरिंग में 3 या 4 साल के बाद कमा सकते हो इफ यू आर एन IITian, इफ यू आर अ टॉप लेवल। अब अगेन यहाँ पे लोग बोलेंगे अरे मैं तो इस कॉलेज को मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी, भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कॉलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरेज कॉलेज। और आप बेस्ट कॉलेज के लिए तो एम करोगे यार, आपको आप जेई प्रेप ये करके थोड़ी सोचते हो कि अरे भाई कौन सा कॉलेज, कोई कॉलेज बताओ, LNM IIT जाना है या VIIT यहाँ जाना है। नो डिसरेस्पेक्ट टू दिस कॉलेज, बट कोई भी बच्चा ऐसा सोच के तैयारी नहीं करता है कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है, सब लोग सोच के क्या तैयारी करते हैं कि अरे हमें तो IIT बॉम्बे जाना चाहता हूँ, दिल्ली जाना चाहता हूँ, खड़गपुर जाना है, कानपुर जाना है ना, ऐसा सोच के तैयारी करते हैं लोग। ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना कि यार मैं तो बिट्स पिलाने जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता है। हाँ नहीं सिलेक्शन होता है फिर हम आफ्टर थॉट देते हैं, वो भी अच्छे कॉलेजेस है, नो डाउट ऑल द कॉलेजेस आई मेंशन दे आर वेरी गुड कॉलेजेस, लेकिन बच्चा सोच के ये प्रिपरेशन नहीं करता है। तो हम आइडियल सीनेरियो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कि इफ यू आर इन द बेस्ट कॉलेज यू विल डू रियली वेल, यू विल डू रियली वेल, और वहां पे जाने के लिए कॉम्पिटिशन भी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें, मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग वाले क्रिएटर्स भी जो है या जो ग्लैमरस लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट होती है, आई थिंक दैट इज क्लियरली बेटर देन द अदर ऑल्टरनेटिव्स। मतलब आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन बता दो जिसमें आप जॉब में 21-22-23 साल की उम्र में इतना पैसा कमा सकते हो, कोई प्रोफेशन नहीं इंडिया में, लिटरली कोई प्रोफेशन नहीं है। बिजनेस की बात करना वो अलग टॉपिक हो जाता है, हम यहाँ पे जॉब की बात कर रहे हैं, राइट, प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस देर इज क्लियरली बीन अ राइज फॉर इंजीनियरिंग, क्योंकि लोगों को लगता है इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है, मिल भी रहा है, इसमें कोई रियलिटी या वैसा कुछ भी नहीं है। आप IIT जाओ, IIT बॉम्बे में जाओ, अच्छी ब्रांच में जाओ, मेहनत करो, प्लेसमेंट लगेगी आपकी 50 लाख 60 लाख, क्यों नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लगती है हर साल, ठीक है। इवन इस साल रिसेशन वगैरह कुछ हुआ है तो थोड़ी सी प्लेसमेंट्स कम हुई, लेकिन तब भी जो लोग टैलेंटेड थे उनकी अच्छी जॉब लगी है, आज भी लगी, इस बार भी लगी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो देर इज क्लियरली बीन अ राइज इन द डिमांड फॉर इंजीनियरिंग, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक बच्चों का अवेयरनेस लेवल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले क्या था कि इतना लोग पढ़ते नहीं थे, मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि मैं जिस लेवल का स्टूडेंट था ना, मैं बहुत तगड़ा स्टूडेंट था, ठीक है, मेरे टाइम में, लेकिन मुझे लगता है आज के कॉम्पिटेटिव माहौल में मैं आ जाऊँ शायद मुझे स्ट्रगल हो, शायद मुझे और मेहनत करनी पड़े, राइट। क्योंकि मतलब आप वैसे सोचो ना यार कि पहले जैसे ये सचिन वचिन के टाइम में क्या है कि 250-260 रन भी बहुत बड़े रन होते थे, 300 रन तो मानते थे भाई मजा आ गया, लेकिन अब 400 रन भी चेज हो जाती है, कुछ वैसा हो गया मुझे लगता है अब कि अब इतना ज्यादा बच्चे पहले से पढ़ने लग गए, यूट्यूब पे इतने रिसोर्सेज आ गए। क्योंकि पहले क्या था यार कि टैलेंटेड बच्चे देखो हर हाउस होल्ड में होते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कई बार कि भाई जिसके पास इतना पैसा है कि वो कोचिंग जा पाए वही जा पा रहे, बाकी अगर कोई टैलेंटेड बच्चा विलेज में है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन अब इतने रिसोर्स हो गए हैं यूट्यूब पे, इतनी चीजें आ गई है कि एक इवन एक साधारण स्मॉल हाउस होल्ड का स्टूडेंट भी बहुत कुछ कर सकता है जस्ट यूजिंग दीज ऑनलाइन रिसोर्सेज, राइट। तो इसलिए आई थिंक कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। सो कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन वाला फैक्टर तो बहुत ज्यादा आई थिंक यहाँ पे रिलेवेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स तो 10-15-20% ही बढ़ सकता है पर ईयर मैक्सिमम, लेकिन जो टैलेंट वाली जो पूल है ना वो पिछले 10 साल में 8 साल में इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई ना, मतलब आई थिंक डबल या ट्रिपल हो गए बच्चे जो जेई के लिए सच में कॉम्पीट करते हैं। मतलब पहले देवर ओनली हैंडफुल स्टूडेंट हु कुड अफोर्ड कोचिंग, यू नो, हु कुड टेक सम काइंड ऑफ एजुकेशनल एम्पावरमेंट टू देमसेल्व्स, कुछ प्रिपरेशन, लेकिन अब आई थिंक वो नंबर भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स, फर्स्ट राइज ऑफ द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, एंड ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ द राइज इन द डिमांड, राइज ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ बींग एन IITian, वो एस्पिरेशन राइज होती जा रही है, आई डोंट सी कि वो एस्पिरेशन कम हो रही है। हाँ लोग बोल देते हैं दूसरे कॉलेज वाले कि अरे IITian किसी को नहीं बनना है, लेकिन भाई डीप इनसाइड सबको पता है क्या किसको चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियरली मतलब ज्यादा लोग दे रहे हैं और क्लियरली वो एस्पायर भी ज्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं देखता भी हूँ यार, मतलब जैसे 2025 वाले बच्चे मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं कंपेयर टू 2024 वाले, और 2026 वाले मुझे लगता है, हालांकि आप लोगों का नंबर कम है मुझे पता है,
बट स्टिल अगर आप इस चैनल की व्यूअरशिप देखो, मुझे लगता है 2026 वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा चैनल देखते हैं, जितने हैं उसके कंपनी में बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, राइट? सो आई थिंक क्लियरली लोग इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं इस एग्जाम में, और आई थिंक लोगों की टैलेंट भी काफी बढ़ गई है. सो बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स कॉम्पिटिशन बहुत भयंकर होने वाला है, एंड आप जितना जल्दी पढ़ लो ना उतना बेटर है. मतलब सच में इफ यू आर 26 एस्पिरेंट, आप अभी 10th में हो, राइट? यू स्टिल हैव 4-5 मंथ बिफोर योर 11th रियली बिगिंस, एंड उस 4-5 मंथ्स में भी आप बहुत अच्छा गैप क्रिएट कर सकते हो. वैसे देखो, I'll be honest, 2 years is a very good period to get into any IIT. If you want to get 1000 rank, 1500 rank, 2000 rank, I think you can get it very easily in 2 years. हाँ, very easily का मतलब है ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, then you can get it. But जो extraordinary rank चाहिए होती है ना, वो 100 चाहिए, 200 चाहिए, 50 चाहिए, 10 चाहिए, उसके लिए जो extra effort चाहिए, I think these 4-5 months are enough for that also. So you have 2 years plus you have some extra months. Please use them. ओके? मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नोटिफाइड रहे, मैंने पिछली वीडियो बनाई, चेक करें, उसमें मैंने बताया कि कैसे क्या आपको पढ़ना है, थोड़ी मोटिवेशन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? और मैं आगे और बनाऊंगा वीडियोस. और आपको और हेल्प चाहिए, मेरा J26 कोर्स भी चलता है, जिसमें आपका 9th-10th भी पूरा रिवाइज्ड है, ठीक है? और आपको 11th-12th के भी कुछ टॉपिक्स उसमें इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे. तो आप 11th में जाओगे ना, उससे पहले परफेक्ट आपका एक रिसोर्स ये रहेगा, डिस्क्रिप्शन में है, उस पर डिस्काउंट चल रहा है अभी, आई थिंक कल रात तक, 16 दिसंबर की रात तक यू कैन गेट इट फॉर जस्ट ₹3000. तो इतने कम प्राइस में इतना बढ़िया मटेरियल जो आपको इतना ज्यादा आगे लेके चला जाएगा कॉम्पिटिशन से, क्योंकि बाकी बच्चे अभी चिल मार रहे हैं 10th में, आप 11th के बीच में पहुंच जाओगे 11th में आने से पहले, तो वो जो एज है ना उसके ऊपर कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती है, और बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट है ये ₹3000 का, जो आपको ही बहुत आगे ले जाएगा, और आपको ये जो मैं पैकेजेस की बात कर रहा हूँ ना उनके बहुत नजदीक लेके जाएगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कल रात तक डिस्काउंट अवेलेबल है, ₹3000 ओनली, गेट इट. And trust me, it will be, you will thank yourself कि भैया इतनी बढ़िया चीज़ मैंने purchase करके use करी है, ठीक है? So that was the video. Please prepare hard because competition is getting heated and आप जल जाओगे भाई literally if you don't act on it. हाँ, एक तो है कि नहीं करना है तो ठीक है, छोड़ दे यार, चिल मारो, उसमें कुछ गलत नहीं है, मेरे हिसाब से तो वही सही है वैसे. But यार, क्योंकि हम लोग इस रेस में कूद ही चुके हैं तो भागना तो पड़ेगा, right? So please run fast, otherwise you might be left behind. Okay? So that was the video. I hope you liked it. Like, subscribe, कर देना. Course लेना है कल रात, last है, description में जाके ले. Bye.